अपने आप में कुछ होती नहीं है। बौद्ध कथाएं अपनी कल्पना से बनाई जाती हैं। बौद्ध कथा उसे कहते हैं जैसे किसी की बुद्धि खुल जाए। जैसे आप ताली बजा रहे थे, तो ताली दो तरह की होती है। एक ताली तो वो होती है जो घर के बंद दरवाजे को खोलती है, और दूसरी ताली वो होती है जो बंद दिमाग के दरवाजे को खोलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसी ताली बजाएं जिससे यहां बैठे सारे लोगों का ब्लूटूथ ऑन हो जाए, क्योंकि जब तक ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा तो कितना भी बढ़िया आकाशवाणी से कार्यक्रम आए, लास्ट में लोग यही बोलेंगे सितवा के कर बाप, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक भी शब्द आपके ब्लूटूथ से होकर जाए, उसके बाहर से ना जाए। और ये इसी ब्लूटूथ के रूप में सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख और स्तंभ बनवाया, लाट बनवाया। आज जब इस देश में लाट थे तब हम सम्राट थे, आज लाट नहीं तो सम्राट नहीं। तो आज मैं इसी बौद्ध कथा शुरू करूंगा अपनी बातें। एक पंखा बेचने वाला था सौदागर, वो गांव गांव गली गली घूम के पंखा बेचता था। और वह पंखा बेचते बेचते एक बार उस शहर के सम्राट के पास गया, उस एरिया के सम्राट के पास गया। और वो पंखा बेचता था तो चिल्लाता था, कहता था, ले लो पंखे, ले लो पंखे, 100 साल चलेंगे पंखे, कभी नहीं टूटने वाला पंखा है ये, 100 साल तक चलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। इस बात को सम्राट ने भी सुना कि भाई कैसा ऐसा पंखा है जो 100 साल चलेगा, टूटेगा नहीं। सम्राट ने अपने प्रतिवेदक को बोला कि जाओ, जो पंखा पंखा चिल्ला रहा उसे दरबार में ले आओ। जब दरबार में लेकर पंखा वाला आया तो सम्राट ने पूछा कि तेरे कहीं कैसे पंखे हैं। बोला, जहां पना ये पंखे 100 बरस चलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो बोला, कुछ सम्राट को तू बेवकूफ समझता है, किसके सामने तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता नहीं है। बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जहां पना ये 100 साल चलेंगे, ये पूरी की पूरी गारंटी है। तो बोला, ठीक है। जबकि सम्राट को पूरा भरोसा था कि 100 साल नहीं चलेगा, फिर भी तू कह रहा है तो तेरी बात मैं मान ले रहा हूं, जितनी कीमत लेना हो ले, पंखा रख दे, 1 हफ्ते बाद तू जरूर यहां आना, 1 हफ्ते बाद लौट के दोबारा आना। राजा ने पंखा खरीद लिया। राजा को पूरा भरोसा था कि वो ठग के चला गया है, दोबारा आएगा नहीं वो। लेकिन वो सही 1 हफ्ते पर आया और 1 हफ्ते में पंखा टूट गया था। 1-2 बार हिलाया, पंखा टूट गया। तब तो राजा को और भरोसा हो गया कि वो तो पक्का नहीं आएगा। लेकिन आया समय से। वो बोला, जहां पना आपने 7वें दिन बुलाया था, मैं हाजिर हो गया। बोला, तू मुझे ठग कर चला गया था, देखिए तेरा पंखा टूट गया है। कैसे टूट गया, मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया, ये 100 साल चलने की पूरी गारंटी थी, हमारे पूर्वजों ने चलाया है, आपसे कैसे टूट गया, इसका मतलब आपको पंखा झलने नहीं आता, इसका मतलब पंखा झलने नहीं आता। बोला, क्या बोल रहा है तू, सम्राट को पंखा झलना सिखाएगा, इतना बड़ा देश मैं चलाता हूं और पंखा झलना मुझे तो सिखाएगा। बोला, हां सम्राट, आपको पंखा झलने नहीं आता। बोला, कैसे डोलाते थे बताइए। तो बोला, ऐसे ऐसे डोलाते थे। बोला, बस यही चूक हुई ना आपसे, आपने पंखा तो खरीदा लेकिन चलाने की विधि आपने नहीं पूछा हमसे, चूक आपसे हुई है, चूक मुझसे नहीं हुई। बोला, कैसे चलाना था। बोला, पंखा को स्थिर रखना था और सर हिलाना था। पंखा को स्थिर रखना था, सर हिलाना था, आपने ठीक से चलाया नहीं, और कहते हैं पंखा ही गलत है। तो आज से
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक पंखा दिया था संविधान के रूप में, 100 साल चलेगा इससे लोक कल्याण होगा, लेकिन सम्राट को पंखा झलने आता ही नहीं। बदलना खुद को था, हिलाना खुद को था, परिवर्तन खुद को करना था, और ये संविधान बदलने चल पड़े हैं। बदलना खुद को है, परिवर्तित खुद को होना है, और ये खुद को न बदलकर कहते हैं संविधान ही गलत है, संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। ये संविधान की समीक्षा करने वाले लोग क्या कभी खुद की समीक्षा किया? तो कहीं ना कहीं खुद की समीक्षा और खुद की परिवर्तन और सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन खुद से शुरू होता है। सम्राट अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह व्यक्ति के विकारों को निकालता है और व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के विकारों को निकालता है और सम्राट अशोक का धम्म राष्ट्र के विकारों को निकालता है, राष्ट्र के विकारों को निकालता है। इसलिए जब जब राष्ट्र भटक जाए, जब जब समाज भटक जाए, उस समय सम्राट अशोक के धम्म की आवश्यकता इस देश के रहनुमाओं को होगी, आज भी है। लेकिन हम अपना सर नहीं हिलाना चाहते, हम तो पंखा हिलाने वाले लोग हैं, हम खुद बदलना नहीं चाहते, हम दुनिया को बदलने चले हैं। तो सम्राट अशोक का आंदोलन ही खुद से शुरू होता है और यहीं से ओबीसी स्टार्ट होता है।